हेलो फ्रेंड्स, हम बनाने लगे हैं पंजाबी पकौड़े। ये सूखा धनिया 2 चम्मच और ये रेड चिली 1.5 चम्मच टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून हल्दी 1 टेबलस्पून और ज़ीरा 2 टेबलस्पून और ग्रीन चिली बारीक बारीक कटी हुई ये 2 चम्मच और जो जितनी आपको ज़रूरत है, अगर आप ज़्यादा चिली नहीं खाते तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये नमक 2 चम्मच और ऑयल इसमें डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, ताकि आपके पकोड़े अंदर से कच्चे ना रहें, अच्छी तरह से पकें। अब हम इसे सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद प्याज, बारीक कटे आलू और पालक मिक्स करेंगे। ये हैं प्याज, ये हम प्याज डालेंगे। उसके बाद पालक डालेंगे, उसके बाद आलू डालेंगे। ये सारा मसाला अब इसमें जाएगा और उसके बाद हम वाटर डालेंगे, थोड़ा सा पहले डालेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ, अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे। और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, फिर हम हैंड यूज़ करेंगे। हाथ हमेशा धोकर हम यूज़ करें। थोड़ा पानी और डालेंगे और इसको हम हैंड से मिक्स करेंगे। हम पानी उतना डालना है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है? ऐसे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमारा पेस्ट इस तरह का होना चाहिए, ऐसे इस तरह का होना चाहिए, ताकि आराम से हम उठा के डाल सकें। ऐसे स्पून लें और ऐसा हमारा पेस्ट होना चाहिए, ऐसे कढ़ाई में डालें। स्टॉप। अब हम, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप लकड़ी की चूल्हे पे जलाएं बनाएं या दूसरे पे बनाएं। ये हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और पकोड़े थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। हम लकड़ी पे बना रहे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, गैस पर भी बनाएं और लकड़ी पर भी बना सकते हैं। अभी पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे, तो मज़े मज़े के पकोड़े नोश फरमाएं, लकड़ी पे बने हुए या गैस के चूल्हे पे बने हुए। अब पकोड़े तैयार हो चुके हैं, देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। क्रंची और मज़ेदार से पकोड़े आपके हाजिर हैं।